हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरफान खान ब्लॉग्स चैनल में। तो आज जो है हम करवाने वाले हैं अपनी बाइक की वॉशिंग सर्विस। आपने देख ली थी सर्विस, जो बाइक की हो चुकी थी। वॉशिंग हमने नहीं कराई थी क्योंकि वॉशिंग हमें घर पे करनी थी, अब वो घर पे भी अब नहीं हो पाई है किसी कारण। अब हम जो इसको सर्विस सेंटर लेके जाएंगे सर्विस कराने के लिए। अब एक बार आप इसके सिनेमेटिक लुक देख लीजिए, कितनी गंदी हो चुकी है ये। If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. तो जैसा कि आपने देखा इसकी जो हालत है कितनी गंदी हो चुकी है। कई कई जगह पे देखिए ऑयल इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना ऑयल जो है इकट्ठा हो गया है। इसकी वजह से भी देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। और यहाँ पे भी जो इंजन ऑयल है वो लीक हो गया है। देखिए हल्का हल्का जो इंजन ऑयल है यहाँ पे भी वो लीक हो रहा है। देखिए यहाँ से ये मैंने टाइट करवा दिया है, सर्विस के पहले का ही है। तो आपने देख लिया कि बाइक जो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम हो रखा है, कभी कभी बारिश आ जाती है कभी नहीं आती है। तो बाइक जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इस वजह से हमें इसको धोवाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बाइक जो हमेशा चमकती रहनी चाहिए। तो एक बार और इसकी जो टेपिंग है, और हम इसकी टेपिंग भी कराने वाले हैं, तो एक बार इसकी टेपिंग उखाड़ते हैं। तो आपने देखा जो टंकी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, इसमें जो कितने ज़्यादा डल निशान पड़ गए थे। तो अब इसको फटाफट से वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं। वॉशिंग के लेके जाने के बाद फिर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Our bike is doing foam wash. ऐसी वॉशिंग हर जगह होती है, नहीं दे रहा है। हम करा रहे हैं अपनी बाइक की वॉशिंग। फोम वॉश तो है नहीं, लेकिन फोम वॉश तो बढ़िया तरीका। अपने घर आए, एक शैम्पू लो, बाल्टी में गिरो और तेज झाग वाली प्रेशर पे मार दो, जाके झाग बाइक रेडी ढूंढते ही। ओके, कपड़ा मारते हैं, फोम वॉश फिर धोते हैं। तो हमारी बाइक जो है धो चुकी है बढ़िया तरिया। अब भाई इस पर कपड़ा मार देगा। एक बार लुक देखो बाइक की धोने के बाद, बिल्कुल ब्रांड न्यू देखो। देखो लुक देखो बाइक की, पहले मेरी में फर्क देख लो। पहले कितनी गंदी थी देखो।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो बाइक है वो प्रॉपरली वॉश हो चुकी है, एक नंबर वॉशिंग हुई है बाइक की। बाइक की सिनेमैटिक लुक आपने देख ही लिए होंगे, पहले कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी बाइक और अब जो है कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी ही लेके आए हैं बाइक को। बाइक बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही है। बाइक में थोड़े बहुत डेंट्स वगैरह हैं, उसको हम आगे चलकर ठीक कराएंगे, लेकिन अब जो बाइक की कंडीशन है ना, पहले कई जगह से ऑयल जो लीक हो रहा था, सर्विस पे मैंने इसकी वॉशिंग नहीं कराई थी। अभी जो मैंने इसकी वॉशिंग कराई है, पहले इसमें मैंने इसकी वॉशिंग नहीं कराई थी, तो अब हम इस पर थोड़ा बहुत काम कराना है इस बाइक पे, तो हम आगे चल के धीरे धीरे इसका जो काम कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, इरफान खान ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, मेरी तरफ से सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी 15 अगस्त के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।